अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्टोराम के साथ मैं हूं अफजल अयूबी। नाज़रीन, वफाकी बजट के बाद सूबाई बजट भी आ चुके हैं। ये बजट टैक्सेस के हवाले से कितने मुअसर हैं, कामयाब होंगे या नहीं होंगे, इन्हीं टैक्सेस की वजह से टैक्स अदा पूरे भी होंगे या नहीं होंगे, कौन से सेक्शन तब्दील करने की ज़रूरत है, कौन से रखने की ज़रूरत है, इस हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए लाइन पर मौजूद हैं ज़ाहिद रिजवी साहब। आप साबिक सूबाई निगरान वज़ीर ख़जाने भी रह चुके हैं, पैटर्न लॉ टैक्स बार भी हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी हैं। ज़ाहिद रिजवी साहब, ये बताइएगा कि वफाकी बजट भी आ चुके हैं, सूबाई बजट भी आ चुके हैं, आप किस तरह देख रहे हैं, कौन से सेक्शन ऐसे हैं जिनको ख़त्म करने की ज़रूरत है? मैं पहले तो अप्रीशिएट करूँगा कि गवर्नमेंट जो है पंजाब की और फेडरल जो है वो बहुत अच्छा बजट लेके आए हैं और इससे जो है लोगों को फ़ायदे पहुंचेंगे। लेकिन इसमें चंद चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से के इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और ख़ासकर जब डीलिंग विद एफपीआर, उसमें कॉन्ट्रडिक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू दिया है फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने। एक जगह तो वो कहते हैं कि ये हमारे इल्म में है कि एफबीआर में बहुत ख़राबियां हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने 2203A के तहत उनको अरेस्ट करने की पावर दे दी है। खुद ही तो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर करप्शन है, तो आपका क्या ख्याल है ये नैब वाली जो पावर उनको आप देने लगे हैं? इसी तरह नैब जो है वो बग़ैर किसी एविडेंस के उठा लेती है, इसी तरह ये भी एविडेंस जो इनको सूट करेगा उसके तहत उनको करेंगे। तो ये बिल्कुल ही गलत इकदाम है, और इनको इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए थ्रू चेंबर्स और थ्रू ये जो कमेटीज़ होती हैं इनके थ्रू लोगों पे कॉन्फिडेंस लेना चाहिए, और कॉन्फिडेंस देके अपना जो इंस्पेक्टर्स वगैरह हैं उनको भेजना चाहिए कि वो जाके अपने इंस्पेक्शन करें, देखें कि क्या ये जो हैं, अगर जो सजेस्ट कर रही है जो वहाँ की कमेटी के हमारे इलाके का इतना टैक्स होना चाहिए, इस शॉप का इतना, तो ये एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट करें, तो दे शुड रिलाई मोर ऑन देयर डिपार्टमेंट फॉर इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग, नॉट बाय विजिटिंग देम इनसाइड और समथिंग। अगर वो एक एक दुकान के बाहर भी बाहर दो दो चार चार घंटे बैठेंगे, उन्हें पता लग जाएगा कि इस दुकान की सेल क्या हो सकती है। तो छोटे ट्रेडर्स को अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो बजाय हरेस करने के अब इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि बेसिकली जो हैं ये जो छोटे ट्रेडर्स हैं, जिस तरह अब आप कारों की सेल्स का देखें तो 83% कार्स जो हैं जो सेल हो रही हैं वो आम तौर पे ये छोटे बिजनेसमैनों के पास हैं, तो इसलिए इनको आप प्यार मोहब्बत से इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करके टैक्सेशन में लाएं और आपके बजट पूरे हो जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया ज़ाहिद रिजवी साहब, आप जो कह रहे हैं सेक्शन 203A उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, जो कि एक ऐसा हथियार है जिसके ज़रिए जो टैक्स कलेक्टर है किसी भी टैक्स पेयर को किसी भी वक्त शक के बिना पर गिरफ़्तार कर सकता है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल यूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।